हेलो एवरीवन, टीजीटी 2021 सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन की हिस्ट्री होती है बायोग्राफी। द नेम ऑफ बायोग्राफी न्यू कनोट्स द नेम बायोग्राफी नाउ कैनोनेट्स रिलेटिवली फुल अकाउंट्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ का पूरा ब्यौरा ही बायोग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर टेम्परामेंट एंड वैल्यू एज वेल एज द सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि कैरेक्टर, उसके टेम्परामेंट, उसके वैल्यू, उसकी विशेष को एज वेल एज सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ को, सब चीज़ को सामने लाना ही बायोग्राफी होती है। और लास्ट ऑप्शन है, बायोग्राफी इज अ लेटर डे जनरे जोनर एंड वी फाइंड बायोग्राफी इन 20th century। और ये एक लेटेस्ट जोनर है जो 20th century में ही ये हम देख सकते हैं। तो इन चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जानने के लिए चलते हैं अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बाई MH अब्राम्स। पेज नंबर 29 and 30 को कवर करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे और इस टर्म को भी समझ लेते हैं। बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है रिटर्न। जब लाइफ के बारे में कोई चीज़, लाइफ की घटनाओं के बारे में कुछ चीज़ लिखी जाती है, उसी को बायोग्राफी बोलते हैं। बुक क्या एक्सप्लेन करती है, लेट इन 17th century, 17th century के लेट में जॉन ड्राइडन ने इसको डिफाइन किया। यहाँ पे जॉन ड्राइडन की डेफिनेशन की बात आ रही है, द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ। शायद ऑप्शन में भी कोई ऐसी लाइन थी कि बायोग्राफी क्या है, कि हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पर्टिकुलर मैंस लाइफ, पर्टिकुलर मैन की लाइफ का, MENS। द नेम नाउ कैनोट्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। लेकिन ये नाम अब किस संदर्भ में यूज किया जाता है, कि फुल अकाउंट है, पूरा ब्यौरा है पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ का, और जिसमें शामिल होते हैं इन्वॉल्व अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर को सामने लाया जाता है, उसके करेक्ट टेम्परामेंट को, मैल्यूज को, उसके माइंडसेट को, एज वेल एज सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, और उस सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को सामने लाया जाता है। ये डेफिनेशन जॉन ड्राइडन ने दी है, हिस्ट्री है किसी लाइफ का, उसमें सभी अकाउंट्स क्लियर होते हैं, और उसके कैरेक्टर टेम्परामेंट और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, एक्सपीरियंस है, उन सबको सामने लाया जाता है। दिस इज कॉल्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी में ये सारी चीज़ें होती है। देख लीजिए लाइन टू लाइन, यही लाइन उठाकर सीधे सीधे ऑप्शन में रख दी गई है। फर्स्ट ड्राइडन ने जो बोला है ये भी सही है, द नेम बायोग्राफी कनोट्स रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ, ये भी है सेकंड लाइन, और थर्ड लाइन इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर पैराग्राफ खत्म होता है, ये तीनों लाइन्स हूबहू वहाँ से उठाकर यहाँ रखी गई है। इट मीन्स ये तीनों तो सही है। क्या सही नहीं है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या सही नहीं है, वो आंसर होगा ये, बायोग्राफी एक 20th century का जोनर नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। आइए इसको जानते हैं कैसे। बोथ एंशियंट ग्रीक और रोम, एंशियंट ग्रीक एंड रोमन प्रोड्यूस शॉर्ट फॉर्मल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, की छोटी लाइफ उन्होंने प्रेजेंट की है। मोस्ट फॉर्म सर्वाइविंग एग्जाम्पल, जो सर्वाइविंग एग्जाम्पल है वो है पैरेलल लाइफ्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स। ग्रीक और रोमन्स की पैरेलल लाइफ एक वर्क है जो अभी तक सर्वाइव है, ग्रीक एंड रोमन्स का है। नोटेबली किसने लिखा था, ग्रीक राइटर प्लूटार्च ने लिखा था। ये याद रखिएगा लिटरेचर स्टूडेंट होने के नाते, कि प्लूटार्च ने लाइफ हिस्ट्री लिखी थी ग्रीक्स एंड रोमन्स की, कब, AD 46 120 में, पहली सेंचुरी में, और जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सम थॉमस नॉर्थ ने।
तो ये बायोग्राफी है ग्रीक और रोमन लोगों की लाइफ पर, उन्होंने घटनाएं लिखी है, दिस इज कॉल्ड बायोग्राफी। फर्स्ट सेंचुरी से बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो ये 20th सेंचुरी का जोनर नहीं है, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। और हमने पढ़ा भी है कि थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट किया था प्लूटार्क के वर्क को, द लाइफ ऑफ ग्रीक एंड रोमन, तो उन्होंने ये ट्रांसलेट किया 1579 में। तो ये जो वर्क था वो बेस्ड था रोमन्स लोगों की लाइफ पर, उसको प्लूटार्क ने लिखा था और उसको ट्रांसलेट किया थॉमस नॉर्थ ने, और इनके इस ट्रांसलेशन के बेस पर ही विलियम शेक्सपियर के 4 रोमन प्लेस हैं, उनकी जो सोर्स है वो यही है थॉमस नॉर्थ का, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स रिटन बाय प्लूटार्क, जो उन्होंने प्लूटार्क के वर्क को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, उसी के बेसिस पर इन्होंने अपने 4 प्लेस की सोर्स उन्हीं इसी वर्क से लिया है। शेक्सपियर के 4 रोमन प्लेस है वो इसी से लिए गए हैं, तो आपको ये नाम जरूर याद रखना होगा, थॉमस नॉर्थ ने इसका ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क के इस बायोग्राफिकल वर्क का। तो बायोग्राफी एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, 20th सेंचुरी का जोनर नहीं है। आई होप आपको आंसर बिल्कुल क्लियर होगा क्या बायोग्राफी क्या है, और 21 में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा से क्वेश्चन आ जाए या इसमें कुछ चेंजेस होकर आ जाए तो आप इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्वेश्चन 21 में सी सीरीज में क्वेश्चन था 108, क्या क्वेश्चन था, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोयम दैट कंटेन्स, कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोयम है जिसमें अंदर होते हैं क्या होते हैं, ये ऑप्शन में दिए गए हैं कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह की पोयम होती है, तो इसने क्लियर कर दिया इस टाइप ऑफ पोयम और इसके अंदर क्या होता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, अ सिंगल स्पीकर स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, एक सिंगल स्पीकर जो अपने आप से बात करता है, क्या ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ये तो सोलिलोकी में होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेवरल स्पीकर, कुछ स्पीकर्स होते हैं टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, किसी एक बात पर वो बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं यहाँ पे इसका मतलब है, लेकिन ये पोएम की फॉर्म नहीं है। वन इमेजनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजनरी ऑडियंस, एक काल्पनिक स्पीकर बात कर रहा होता है काल्पनिक ऑडियंस से, शायद ये सही हो। लास्ट है, अ सिंगल डायलॉग इन अ पोएम, सिंगल डायलॉग को मोनोलॉग बोला जाता है, किसी पोएम के अंदर सिंगल डायलॉग हो, क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा। सो 4 ऑप्शन दिए हैं, सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग टू वन सब्जेक्ट, एन इमेजनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजनरी ऑडियंस, और एक सिंगल डायलॉग इन द पोएम को क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम चलते हैं अपनी फेवरेट बुक अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म रिटन बाय M.H. अब्राहम्स। इसके पेज नंबर 96 पर एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जानते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया हुआ है मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है सिंगल और लोग का मतलब होता है डायलॉग, तो सिंगल डायलॉग को इंग्लिश में बोला जाता है मोनोलॉग। मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंगल। तो मोनोलॉग को डिफाइन किया है पहले, फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी समझेंगे। मोनोलॉग इज अ लेंथी स्पीच होती है बाय अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन के द्वारा जब लेंथी स्पीच बोली जाए दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग, और कोई नहीं बोलता। इन अ प्ले वैन, और जब किसी प्ले में एक करेक्टर अटर करता है बोलता है अ मोनोलॉग दैट एक्सप्रेस हीज हर प्राइवेट थॉट, जब किसी ड्रामा के अंदर एक करेक्टर अपने प्राइवेट थॉट्स को अकेले में बोलता है तो उसको बोला जाता है सोलिलोकी। अभी तक उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं और दोनों ही ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर नहीं है। सिंगल लेंथी स्पीच को मोनोलॉग बोलेंगे, और जब ड्रामा के अंदर सिंगल स्पीकर अपने प्राइवेट थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है अकेले में दैट इज कॉल्ड सोलिलोकी। बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, डज नॉट डेजिग्नेट अ कंपोनेंट इन ए प्ले, ये किसी प्ले ड्रामा का हिस्सा नहीं होते बट अ टाइप ऑफ लिरिक पोयम, ये तो एक लिरिक म्यूजिकल पोयम का हिस्सा है, कैटेगरी है। तो यहाँ पर M.H. अब्राहम ने क्लियर किया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किसी ड्रामा से संबंध नहीं है बल्कि एक टाइप की लिरिक पोयम है, एंड वॉज परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये नाम याद रख लीजिएगा, एक ऐसी लिरिक फॉर्म है पोयम जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने करेक्ट किया है, परफेक्ट किया है, ठीक है। साथ साथ
इसमें ब्राउनिंग की जो फेमस वर्क है द माई लास्ट डचिस, द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम, एंड्रा डेल सैंड्रो, लास्ट राइड टुगेदर, ऐसे बहुत सारे वर्क है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर कुछ फीचर है जो एक्सप्लेन किए गए हैं इन्होंने। तो व्हाट आर दीज फीचर जिसे हम पहचानेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ सिंगल पर्सन, सबसे पहले एक अकेला आदमी, हु पेटेंटली नोट द पोएट, जो पोएट नहीं है, एक सिंगल स्पीकर है लेकिन वो पोएट नहीं है, इसका मतलब वो एक इमेजिनरी पर्सन है। अटर्स अ स्पीच, वो इस स्पीच को बोलता है, दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम, एक इमेजिनरी पर्सन जो पोएट नहीं है वो इस स्पीच को बोलता है और इस स्पीच से, उसके द्वारा बोली गई स्पीच से ही पूरी पोएम बनती है। वन फीचर, इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, और वो व्यक्ति एक स्पेसिफिक सिचुएशन और एक क्रिटिकल मोमेंट की स्थिति में होता है, ठीक है। माई लास्ट डिसीज में देखेंगे ड्यूक की बात होती है, वो अपनी एक्स वाइफ जो मर चुकी है उसके बारे में उसकी पिक्चर को डिस्क्राइब करता है, उसकी कुछ अच्छाई भी बताता है, उसकी कुछ बुराई भी बताता है, तो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है। तो वन पॉइंट इज क्लियर कि एक सिंगल पर्सन है जो पोएट नहीं है, इस मीन्स वो एक इमेजिनरी पर्सन है और वो जो कुछ स्पीच में बोल रहा है वो ही पूरी, उसी से पूरी पोएम बनती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? दिस पर्सन एड्रेस, ये संबोधित करता है एंड इंटरेक्ट, और व्यवहार करता है विद वन और मोर अदर पीपल, कुछ और लोगों के साथ वो व्यवहार करता है, वो अदर लोग कौन है, बट वी नो ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंस एंड दैट एंड व्हाट दे से एंड डू। वो जो ऑडिटर है, जो सुनने वाले हैं, जिनसे वो बातचीत कर रहा है, उनकी प्रेजेंस का हमें केवल कुछ क्लू के माध्यम से ही पता चलता है, फ्रॉम क्लू इन डिस्कर्स। वो जो स्पीच कर रहा है इमेजिनरी पर्सन, उसके साथ कुछ और लोग हैं, उसी स्पीच से हमें कुछ हिंट मिलता है जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ और लोग भी है। वो जो सुनने वाले हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि मोनोलॉग का रूल है वन पर्सन विल स्पीक। तो कुछ हिंट से हमें पता चलता है, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ, इसका मतलब कि एक इमेजिनरी पर्सन कुछ चीज़ों को अटर कर रहा है, स्पीच बोल रहा है, और वहाँ जो सुनने वाले हैं वो भी इमेजिनरी है क्योंकि मालूम नहीं कौन है, तो इमेजिनरी स्पीकर स्पीकिंग टू अ इमेजिनरी ऑडियंस। तीसरा पॉइंट है मेन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग द पोएट्स चॉइस, पोएट की जो चॉइस है, जिसने उस इमेजिनरी पर्सन के माध्यम से बोल रहा है उसकी चॉइस को कंट्रोल करता है एंड फॉर्मुलेशन करता है व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज, जो भी वो लिरिक स्पीकर बोलता है, टू रिवील टू द रीडर्स, रीडर्स को सब चीज बताने के लिए, इन अ वे, एक ऐसे वे में दैट एनहांस इट इंटरेस्ट, जो इसके इंटरेस्ट को बढ़ाता है और स्पीकर्स के टेम्परामेंट एंड करेक्टर को एक्सपोज करता है। एक ऐसा मेथड चुनते हैं जिससे पोएट की उन सब बातों को उस इमेजिनरी स्पीकर के माध्यम से ऑडियंस तक एक इंटरेस्टिंग वे में पहुंचाया जा सके। माई लास्ट जस्टिस रॉबर्ट ब्राउनिंग में एक इमेजिनरी ऑडियंस वहाँ पर है और वो उनको सब अपनी वाइफ के गुणों को बता रहा है और क्यों वो अब नहीं है, क्यों उसने उसको मार दिया, उन रीजन को भी वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं बोलती, बस हम रीडर्स को कुछ हिंट मिलते हैं कि वो उसे सुन रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो दीज आर द थ्री फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या है और सोलिलोकी क्या है। तो आइए क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो हमने जाना कि अ सिंगल स्पीकर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ये सोलिलोकी था, तो ये इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग जब बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर, ये डिस्कशन का पार्ट होता है। एक इमेजिनरी स्पीकर जो पोएट नहीं हो और ऐसी ऑडियंस से बात कर रहा हो जो उसमें इन्वॉल्व ना हो, केवल सुन रही हो, साइलेंट हो, ऐसी ऑडियंस और एक ऐसा स्पीकर काल्पनिक ऑडियंस है और काल्पनिक ही स्पीकर है क्योंकि वो पोएट खुद नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के यही फीचर है, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन देखेंगे अ सिंगल डायलॉग इन द पोएम, किसी पोएम में सिंगल डायलॉग को मोनोलॉग बोला जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक इमेजिनरी स्पीकर होता है और इमेजिनरी ऑडियंस होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, टिंटन एबी जो एक ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है, मोनोलॉग क्यों नहीं है, क्योंकि मोनोलॉग में वो जो स्पीकर होगा वो पोएट नहीं होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में कंडीशन क्या थी, इमेजिनरी स्पीकर होगा वो पोएट नहीं होगा, लेकिन टिंटन एबी में जो स्पीकर है वो खुद पोएट है। सो इट्स बिकम अ फीचर, तो इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स मैच नहीं करते, इसलिए ड्रामेटिक लिरिक की कैटेगरी में इसको रखा गया है और अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ये विवाद का विषय रहा है, तो आयोग ने इसको ड्रामेटिक लिरिक माना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक इमेजिनरी स्पीकर इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है।
उम्मीद है वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। था क्वेश्चन नंबर 115 सी सीरीज में टीजीटी 21 में क्वेश्चन क्या था, द टर्म कार्प डीम मीन्स, और ऑप्शन दिए थे हेल द डे, सीज द डे, गुड बाय द ब्राइट डे एंड सीज द डे, दिन का स्वागत करना, दिन को ख़त्म करना, गुड बाय द ब्राइट डे, ब्राइट डे को गुड बाय बोलना और सीज द डे, दिन को देखना। तो ऑप्शन सभी देख लीजिए, क्या इसका आंसर आया था, इसका आंसर आया था सीज द डे, यहाँ पे सीज मतलब है दिन का पूरा आनंद लेना, उसको आप पूरे आनंद के साथ समाप्त करना। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं एम एच अब्राम की लिटरेरी टर्म से, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत देकर आए थे, लेकिन अगर उन्होंने ये बुक्स स्टडी की होती तो उनका एक मार्क्स एक्स्ट्रा आया होता। सो आइए मोस्ट ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं, व्हाट इज कार्प डीम। कार्प डीम क्या है, एक लेटिन फ्रेज है सबसे पहले तो, जिसका मीनिंग है सीज द डे। आंसर तो हमें यही मिल गया, लेकिन इतना सफिशेंट नहीं है कि दिन का पूरा आनंद लेना यही है, लेकिन ये वर्ड जो सीज द डे कार्प डीम लिया कहाँ से गया है, फ्रॉम वन ऑफ होरेस ओड। होरेशियन ओड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो होरेस जो रोमन पोएट थे जिन्होंने होरेशियन ओड लिखे थे, उनका एक ओड था, उसमें से लिया गया है, विच हैज़ बिकम द नेम फॉर मैनी अदर कॉमन लिटरेरी मोटिफ, और जिसके बेस पर बहुत सारे लिटरेरी, जिस थीम पर बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखे गए हैं। मोटिफ का मतलब होता है थीम, बहुत सारे अदर वर्क के लिए ये थीम रहा है इनका ये ओड, स्पेशली लिरिक पोएट्री में। इस थीम पर, कार्प डीम थीम पर बहुत सारी पोएट्री लिखी गई है, लिटरेरी थीम रही है कार्प डीम पर। द स्पीकर क्या करता है इसमें, कार्प डीम पोएम में क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, दबाव डालता है, द लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, कि जीवन छोटा है और समय जल्दी से निकल रहा है, इन ऑर्डर टू अर्ज द ऑडियंस, और ऑडिटर को वो अर्ज करता है, हु इज, अंडरलाइन दोबारा से कर लेता हूँ, स्पीकर कार्प डीम पोएम में क्या एम्फेसाइज करता है, कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, कि जीवन छोटा है और टाइम जल्दी से निकल रहा है, इन ऑर्डर टू अर्ज हिज ऑडियंस, ऑडिटर को अर्ज करता है, हु इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ वर्जिन रिलेक्टेंट टू चेंज हर कंडीशन, एक वर्जिन लड़की के रूप में ऑडिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपनी कंडीशन चेंज करना चाहती है ऐसी लड़की है, और टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, और वो वर्तमान आनंद का पूरा आनंद उठाना चाहती है। तो प्रेजेंट मोमेंट का पूरा एंजॉय करना इज कॉल्ड सीज द डे, और इन लेटिन इट इज कॉल्ड कार्प डीम, यही इसका मीनिंग है। कार्प डीम एक थीम है जो होरेस ने यूज की है, जिसमें लिटरेरी राइटर क्या करता है, एम्फेसाइज करता है कि जीवन छोटा है और समय निकल रहा है, तो उस मोमेंट का, उस पल का, उस प्रेजेंट सिचुएशन का पूरा आनंद ले लिया जाए, सीज द डे कर लिया जाए। उसमें किसी वर्जिन लड़की को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो अपनी सिचुएशन का, उस प्रेजेंट प्लेजर का पूरा आनंद ले सके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कार्प डीम। शेक्सपियर ने भी अपने कुछ सोनेट्स में कार्प डीम थीम का यूज किया है, 12th नाइट में फेस्टेक सॉन्ग गाता है, और उसमें उनकी थीम यही है कि एंजॉय द डे, एंजॉय द मोमेंट, कार्प डीम मीन्स सीज द डे। ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2021 में आया था। सो वी मस्ट नो दीज टर्म फ्रॉम दिस बुक। मार्केट में अवेलेबल बुक्स में ये टर्म्स इतने एक्सप्लेन नहीं है, है ही नहीं कुछ टर्म्स। फर्दर एग्जांपल अगर बात करें, फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में भी ये सिचुएशन दी है, गैदर रोज व्हाइल्स यर्स द स्प्राइम। उन्होंने रोज की सिचुएशन को बताया है, कि रोज के बारे में क्या बताया, गो लवली रोज, गैदर योर रोजबुंड वाइट यू मे, कि जितना भी आनंद है वो ले लीजिए, फिजिकल आनंद जो है वो ले लीजिए, उसके बाद तो डेथ ही आनी है। तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल ब्यूटी एंड द फाइनलिटी ऑफ दैट इज द रोज, कि फिजिकल थोड़ी देर के लिए गुलाब खुला रहता है, उसके बाद तो उसको कोई ना कोई तोड़ के ले जाएगा, उसको यूज़ कर लेगा, उसकी एंड खत्म हो जाएगी, लेकिन जितनी भी देर की उसकी फिजिकल ब्यूटी है उसका पूरा आनंद ले लिया जाए, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सीज द डे कार्प डीम सिचुएशन। तो कार्प डीम एक थीम है
जो होरेस ने डेवलप की थी, रोमन पोएट रहे हैं, ओड लिखे हैं उन्होंने, और शेक्सपियर ने और बाकी पोएट्स ने भी उनको अपनी पोएम्स में काफ़ी यूज किया है सिचुएशन को। सीज द डे मीन्स मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेजेंट प्लेजर। आई होप इतना सफिशियंट है। कार्ट ड्रीम अगर दोबारा से एग्जाम में आ जाए तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। रटना नहीं, समझना है। आज अपनी स्टडी को आप इसी मोमेंट से पढ़ रहे हैं कि यही मौका है और इसी को आपको क्रैश करना है, इसी को ग्रैब करना है, इसी को हासिल करना है। सो ये कार्ट ड्रीम सिचुएशन आप बना सकते हैं। इस मोमेंट का पूरा आनंद लीजिए, पूरी स्टडी कीजिए और एक जॉब अपनी सीट पक्की जरूर कीजिए। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। 21 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है सी सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू अबाउट अ क्लोजर ड्रामा। ड्रामा की एक फॉर्म होती है क्लोजर ड्रामा, और इसके बारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से कोई एक करेक्ट है। इस थीम पर कितने, इस पैटर्न पर कितने सारे क्वेश्चन आए थे लिटरेचर और ग्रामर से, तो उनमें से एक क्वेश्चन है हमारा क्लोजर ड्रामा के बारे में, इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा एक करेक्ट है। तो ऑप्शंस थे, इट इज़ अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रीचरी एंड इंटरग्यूज, अ क्लोजर ड्रामा इज असेंशियली हैज़ डबल प्लॉट होता था, क्लोजर ड्रामा इज इंटेंडेड, इसका इरादा होता था टू बी रीड रैदर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर, थिएटर में परफॉर्म न करके इसका पर्पज केवल पढ़ना होता था। और लास्ट ऑप्शन है, इट डील्स विद जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन सोफिस्टिकेट पॉलिश्ड सोसाइटी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जैसा होता है तो उस तरह से सोसाइटी को इसमें दिखाया गया है। तो क्या ये क्लोजर ड्रामा है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। M.H. अबराम द्वारा लिखी बुक अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में पेज नंबर 95 पर इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज अ क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? इज रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म में ही लिखा जाता है, ड्रामा की फॉर्म में ही लिखा जाता है। क्या उसमें डायलॉग्स भी होते हैं, इंडिकेटेड सेटिंग्स भी होती है और स्टेज डायरेक्शन भी होता है। इसमें ड्रामा के सारे फीचर्स होते हैं, पूरी फॉर्म ड्रामा की होती है, डायलॉग्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, इंडिकेटेड सेटिंग्स होती है और स्टेज डायरेक्शन भी होती है। बट यहाँ पर एक बट आ गया, बट इट इज इंटेंडेड, इट इज इंटेंडेड बाय द ऑथर। ऑथर का क्या इरादा होता है इसमें? रीड रेदर देन टू बी परफॉर्म, कि इसको परफॉर्म न किया जाए बल्कि इसको क्या किया जाए, रीड किया जाए। एक ऐसा ड्रामा जिसमें ड्रामा के सारे फीचर्स होते हैं लेकिन बस उसको स्टेज पर परफॉर्म ना करके केवल रीडर्स द्वारा उसको रीड किया जाए, ऐसा ड्रामा जिसका उद्देश्य पढ़ना हो ना कि स्टेज पर परफॉर्मेंस करना हो, को ही क्लोजर ड्रामा बोलते हैं। और इसके परफेक्ट एग्जांपल है मिल्टन द्वारा लिखा गया सैमसन अगोनिस्ट इज अ ड्रामा ऑफ क्लोजर ड्रामा कैटेगरी। फर्दर सेलेका है प्रीमिथस अनबाउंड, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर ड्रामा का ही एग्जाम्पल है, और थॉमस हर्डी का है डायनेस्टस, ये भी क्लोजेस्ट ड्रामा का ही एग्जाम्पल है। और ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है सैमसन अगोनिस्ट के बारे में, हो सकता है इस बार प्रोमिथस अनबाउंड के बारे में पूछ लिया जाए कि किस कैटेगरी का ड्रामा है। सो दिस इज अ क्लोजेस्ट ड्रामा जिसको ड्रामा के सारे फीचर होते हैं बस उसको स्टेज पर परफॉर्म न कर उसको केवल रीड करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। सो दिस इज द आंसर, और यही हमारा आंसर था उस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे। तो अ क्लोजर ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रैदर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर। लाइन टू लाइन आपको M.H. अबराम से आंसर मिल रही है। सो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक, और 10 to 15 क्वेश्चन यहीं से आए थे। अगर लास्ट एग्जाम में आपका स्कोर 70 to 80 रहा है और आपको अगर 90-95 पहुँचना है तो यू हैव टू रीड दिस बुक मल्टीपल टाइम। कंटेंट को इसी की लैंग्वेज में आपको समझना होगा क्योंकि वो लाइन टू लाइन ही ऑप्शंस इसी बुक से लिए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेटर ने जानबूझ के लिए है। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ लिटरेरी टर्म ऑन इंग्लिश लिटरेचर। नेट, सेट, गेट, उन सभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स यही बुक प्रिफ्रेंस करते हैं, M.H. अबराम लिटरेरी टर्म्स। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच द वीडियोज, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, शेयर जरूर कीजिए। GT 2021 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 116 सी सीरीज में। इन सी सीरीज देर वाज अ क्वेश्चन TGT 21। सी सीरीज में 116 क्वेश्चन था।
शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर का प्ले लव लेबर्स लॉस LLL इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह के प्ले का एग्जाम्पल है? कॉमेडी है, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या ये कॉमेडी ऑफ आइडियाज है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है या रोमांटिक कॉमेडी है? ठीक है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया था इट इज एन रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि शेक्सपियर ने क्या लिखी है, रोमांटिक कॉमेडीज लिखी है। रोमांटिक कॉमेडीज कॉमेडी का ही एक जोनर है जिसमें लव अफेयर, हीरो हीरोइन दिखाया जाता है, हीरो अपनी प्रेमिका का प्यार पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, जैसे कि एज यू लाइक इट आप देख सकते हैं, रोमांटिक कॉमेडी है। साथ साथ अगर हम कॉमेडी ऑफ आइडियाज देखें, ये 19 और 20 सेंचुरी में लिखे गए थे, कॉमेडी ऑफ आइडियाज, आइडियाज पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जहाँ सोसाइटी के फैशन फेड, उनके सोफिस्टिकेशन, शहरी लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है, ठीक है, कल्चर को दिखाया जाता है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स होते हैं। और प्रॉब्लम प्ले तो आप जानते ही हैं, गालसवर्दी ने प्रॉब्लम प्लेज लिखे, जी बी शाह ने भी उनको फॉलो किया, ठीक है, ये प्रॉब्लम प्लेज 19 सेंचुरी में डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। आइए इस क्वेश्चन का कन्फर्म आंसर जानते हैं एम एच अब्राम लिटरेरी टर्म बुक से, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक, और कितने क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी बुक से पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, और आंसर पे जो कन्फ्यूजन होता है वो भी इसी को प्रेफर करता है आयोग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने तो आपत्ति भी डाली थी कि दिस इज कॉमेडी ऑफ सॉरी रोमांटिक कॉमेडी, बट आइए इसका आंसर जानते हैं। पेज नंबर अभी मेंशन कर दूंगा मैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात की थी कि ओरिजिनेटेड इन न्यू कॉमेडी ऑफ ग्रीक, ग्रीक की न्यू कॉमेडी जो मेनेंडर ने डेवलप की थी, साथ साथ ओल्ड कॉमेडी डेवलप की थी रिप्रेजेंटेड बाई एरिस्टोफेंस ने। दो तरह की कॉमेडी ग्रीक में डेवलप हुई थी, न्यू कॉमेडी जो मेनेंडर ने डेवलप की थी और ओल्ड कॉमेडी जो एरिस्टोफेंस ने डेवलप की थी, वाज डेवलप्ड बाय रोमन ड्रामेटिस्ट प्लूटोस ने भी डेवलप की, रोमन के और टेरेंस ने, जो थर्ड और सेकेंड सेंचुरी में ये डेवलप की गई थी ओल्ड एंड न्यू कॉमेडी। अब इन कॉमेडीज में क्या था, देयर प्ले डेल्ट विथ वैसिसिट्यूड ऑफ यंग लवर्स, यंग लवर्स के वैसिसिट्यूड को दिखाया जाता है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है बिकम अ स्टॉक कैरेक्टर, धीरे धीरे वो एक स्टॉक हंसी का पात्र बन जाते हैं मच लेटर कॉमेडीज में। ऐसी कॉमेडीज जो ग्रीक में डेवलप की गई थी, इसमें यंग लवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, धीरे धीरे वो स्टॉक कैरेक्टर्स बन जाते हैं मच लेटर कॉमेडीज में, सच एज क्लेवर सर्वेंट हो सकते हैं वो, ओल्ड स्टोजी पेरेंट्स हो सकते हैं, एंड वेल्दी राइवल्स हो सकते हैं, इन कैरेक्टर्स के रूप में वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। और इंग्लिश कॉमेडीज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अर्लियर जो एग्जाम्पल आए हैं वो शेक्सपियर्स ने लिखे हैं, और जिसमें क्लियर लिखा हुआ है लव लेबर लॉस्ट एंड मच अड अबाउट नथिंग। ये दो प्ले उनके कॉमेडी ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के प्ले को जो हाइट मिली वो रेस्टोरेशन कॉमेडीज में हाइट मिली, वाज गिवन अ हाई पोलिस इन रेस्टोरेशन कॉमेडीज में मिली, रेस्टोरेशन फॉर्म वाज मच ब्रिलियंट ड्रामा ऑफ फ्रेंच एंड मेलोरी। इस तरह की कॉमेडीज में क्या डील किया जाता है, इट डील्स विद रिलेशनशिप एंड इंटरग्रूइंग मैन एंड वुमेन लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। इसमें सोसाइटी के अपर क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके आपसी रिलेशन, मैन एंड वुमेन के आपसी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सोफिस्टिकेटेड जो एक पोलिश्ड अपर क्लास होते हैं, बहुत तमीज और कायदे से बातचीत करते रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को इसमें दिखाया गया है। और लव लेबर लॉस्ट में भी ऐसे ही तीन प्रेमियों की कहानी को दिखाया गया है, जो फैशन और फेड और तीन प्रिंसेस को ल्यूर करने के चक्कर में, उनको अट्रैक्ट करने के चक्कर में एक सोफिस्टिकेशन डेवलप करते हैं, वो ही पूरी कहानी इन प्लेस के अंदर है, और यही इनकी थीम होती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। सो इसका क्लियर आंसर है लव लेबर लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, साथ में मच अड अबाउट नथिंग अगर इस बार 22 में आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी वो कॉमेडी होती है जिसमें हीरो अपनी हीरोइन का लव पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, और कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग्स आउटडोर में होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एज यू लाइक इट में, वो रोमांटिक कॉमेडी का एग्जांपल है। अगर रोमांटिक प्ले की बात आती है तो वो प्ले जिसमें ग्रीक रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है,
उनको रोमांटिक प्ले बोला जाता है। रोमांटिक कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी जिसमें हीरो हीरोइन का लव अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करता है, जैसे ऑरलैंडो डी बॉयज करता है। और उसमें हीरोइन को भी एक इक्वल और सुपीरियर पार्ट शेक्सपियर के प्लेज में दिया गया है। दीज आर कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडी। बट लव लेबर लॉस्ट एक कॉमेडी ऑफ मैनर है, जहाँ सोसाइटी में मैन वुमेन के आपसी रिलेशन को, उनकी हाई क्लास कल्चर को, उनके सोफिस्टिकेटेड नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू। हेलो एवरीवन, TGT 2021 में एक क्वेश्चन है, सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 113 लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट वाज द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कहाँ पे ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है। विद रेफरेंस टू एसे, एसे के रेफरेंस में चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक सही नहीं है, तीन सही है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ये जो ट्रिक थी एग्जाम सेटर की कि लेंदी ऑप्शंस दिए गए, भारी भरकम लैंग्वेज यूज़ की गई और उसने स्टूडेंट्स को शायद डिस्ट्रैक्ट किया, जबकि वो इतना मुश्किल नहीं था। सो हमारी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एक काइंड सजेशन है। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द एसे डिफर्स फ्रॉम अ ट्रेटाइज और डेजर्टेशन, किसी सब्जेक्ट पर लिखी हुई थीसिस, किसी सब्जेक्ट पर जो थीसिस एक सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है उससे ये अलग होते हैं। उस अध्ययन को ही ट्रेटाइज या डेजर्टेशन बोलते हैं, जैसे PhD में थीसिस लिखते हैं। कि ऐसे किसी थीसिस से अलग होते हैं कैसे, इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी अ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। थीसिस में एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, उसका प्रेजेंटेशन होता है, एक्सपोजिशन होती है, लेकिन ऐसे उनसे अलग होते हैं, इसमें ये सिस्टमेटिक और कंप्लीट एक्सपोजिशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 समझना जरूरी था, कुछ स्टूडेंट तो यहीं पे हिम्मत हार गए होंगे कि क्या दे दिया उन्होंने ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 2, एन ऐसे प्राइमरीली डिस्कस इट्स सब्जेक्ट इन ए नॉन टेक्निकल फैशन, ऊपर के ही पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है कि एक नॉन टेक्निकल वे में प्राइमरीली ये किसी टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करता है। ऑप्शन नंबर 3, द एसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट्स विद अ लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, शॉर्ट स्टोरीज, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन, स्ट्राइक करते हुए उदाहरण, एंड ह्यूमर एंड आर्ग्यूमेंट इट्स अपील। ये अपने सब्जेक्ट को ऐसे डिस्कस करता है, उसमें स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल यूज़ करता है, शॉर्ट स्टोरीज यूज़ करता है, और ह्यूमर और आर्ग्यूमेंट ऑगमेंट उसमें अपील करता है। ऑप्शन नंबर 4, द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, जो फॉर्मल एसे होते हैं, जो ऑफिशियल एसेज होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, या फॉर्मल एसे को पर्सनल बोला गया है। सो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म रिटन बाय MH अब्राहम्स। इसके पेज नंबर 116 पर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, व्हाट इज एसे, आपको यहाँ पे कुछ बता दूँ। एसे का ओरिजिन फ्रेंच से हुआ था, मोंटेस्क्यू इसके फादर कंसीडर किए जाते थे, लेकिन जो इंग्लिश एसेज है उसका फादर, इंग्लिश एसेज का फादर कंसीडर किया जाता है फ्रांसिस बेकन को, फ्रांसिस बेकन। विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी रहे हैं, वो भी कोर्ट के लिए लिखते थे। सो फ्रांसिस बेकन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो आइए एसे को जानते हैं, व्हाट इज एसे, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे सोल्व करेंगे। एसे क्या होता है, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज। सबसे पहले तो एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है, नोवल या किसी और प्रोज की तरह ये लेंदी नहीं होता, शॉर्ट कंपोजिशन होती है और प्रोज में होती है। दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, ये किसी मैटर को डिस्कस करता है और क्या एक्सप्रेस करता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता है। परस्यूड अस, रीडर को परस्यूड करता है, मनाने की कोशिश करता है कि वो उस सब्जेक्ट पर किए गए डिस्कशन को एक्सेप्ट करे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसे, सिंपली एंटरटेन, या फिर इसका पर्पज एंटरटेन हो सकता है, एक ऐसी शॉर्ट कंपोजिशन प्रोज में जिसमें मैटर को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, ताकि रीडर्स को उसको एक्सेप्ट करने के लिए मनाया जा सके या फिर सिंपली एंटरटेन कर सके।
ऐसे अलग होते हैं डिफर्स फ्रॉम ट्रीटीज, शायद ऑप्शन नंबर वन में यही लाइन थी, ऐसे डिफर अलग होते हैं फ्रॉम ट्रीटाइज या डेजर्टेशन, किसी सब्जेक्ट पर सिस्टमेटिकली लिखी गई थीसिस को ही डेजर्टेशन या ट्रीटाइज बोलते हैं, तो वो टेक्निकल वे में लिखी जाती है, तो एसेज डिफर होते हैं, इनसे अलग होते हैं किसी डेजर्टेशन से, कैसे, क्योंकि इसमें कमी होती है प्रिटेंशंस की, इट लैक ऑफ प्रिटेंशंस टू बी अ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन, यहाँ तक ऑप्शन नंबर वन दिया गया था कि ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिस्टमेटिक नहीं होते, इन बीइंग एड्रेस, और ये संबोधित करते हैं टू ए जर्नल, एक जर्नल ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, रेदर देन ए स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, जो थीसिस लिखी जाती है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर और एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखी गई है, लेकिन ऐसे जर्नल ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं, इन ए कॉन्सिक्वेंस और परिणाम के तहत द एसे डिस्कसिस इट्स सब्जेक्ट, ये अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करता है एक नॉन टेक्निकल फैशन में, ये ऑप्शन नंबर तीन था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो था, एक नॉन टेक्निकल, एक अनसाइंटिफिक वे में ये अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, जिस भी विषय में लिखा गया उसको डिस्कस करता है, एंड ओपन विद लिबरल यूज ऑफ, और इसमें लिबरल यूज करता है ऐसी डिवाइसेस का जैसे कि एनेक्डोट, शॉर्ट स्टोरीज का, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन, चुभते हुए ध्यान लेने वाले एग्जाम्पल्स, एंड ह्यूमर का, और ह्यूमर भी यूज करते हैं टू ऑगमेंट इट्स अपील, ताकि ये अपनी अपील को प्रूव कर सके, ऑडियंस को कन्विंस कर सके। तो यही पूरे पैराग्राफ को तीन ऑप्शंस में डिवाइड कर उस क्वेश्चन के ऑप्शन में डाल दिया गया है, एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ एसे। ऑप्शन नंबर फोर वहाँ पर ठीक था, जो उसका आंसर होगा वो कैसे, यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसे में डिफरेंस है, फॉर्मल एसे जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं, ऑफिशियल वे में लिखे जाते हैं, रिलेटिवली इम्पर्सनल होते हैं, क्या ये पर्सनल नहीं इम्पर्सनल होते हैं, ऑप्शन में दिया है कि फॉर्मल एसेज पर्सनल होते हैं, सो ये इसके अगेंस्ट चला जाता है, जबकि फॉर्मल एसेज इम्पर्सनल होते हैं, वो पर्सनल फ्रेंड फैमिली को नहीं लिखे जाते, वो एक जर्नल ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्या सही नहीं है, ये भी एसे की डेफिनेशन में है, दिस वन इज ऑल्सो अभी हमने पढ़ा, एंड दिस यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल एसेज इज रिलेटिवली पर्सनल, जबकि वो इम्पर्सनल होते हैं, इनफॉर्मल ऐसे पर्सनल होते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे के बारे में सही नहीं है। आई होप यू गोट द आंसर, और साथ साथ हमने जान लिया कि ऐसे क्या होते हैं और हमें कहाँ से फर्दर इन टर्म को समझना है, पढ़ना है, ताकि लैंग्वेज भी एक बैरियर ना बने आपके एग्जाम पास करने में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन कर दिया गया कि वट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे, द ऑथर राइट्स एज एन ऑथॉरिटी के साथ लिखता है, एटलीस्ट अ हाईली नॉलेज एवन एक्सपाउंड द सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है इन ऑर्डरली वे, एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डर में, यही होता है फॉर्मल एसे। इनफॉर्मल एसेज क्या होता है, जो हम पर्सनल इम्पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए लिख सकते हैं। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल है, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबा के बेल आइकन के साथ। हेलो एवरीवन, टीजीटी 2021 में क्वेश्चन था सी सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 114, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमएच अब्राहम बुक से आया हुआ है। आइए क्वेश्चन है, जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू, इस ट्रू वर्ड पे ध्यान देना होता है कि ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि लिरिक जो एक पोएट्री की फॉर्म है, इसके बारे में इनमें से क्या ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर वन है, लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, लिरिक इट यूजुअली एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ सिंगल पर्सन के, थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला सॉन्ग है, और ग्रीक आइडेंटिफाइड द लिरिक, ग्रीक ने जो आइडेंटिफाइड किया लिरिक को किस रूप में, एक ऐसे सॉन्ग के रूप में जो रेंडर करता है, एकम्पेनमेंट साथ देता है, एक लायरा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका साथ देने के लिए गाए जाने वाले एक सॉन्ग के रूप में इसकी पहचान की है, और लास्ट में होता है कि ये एक पोएम होती है जो छोटी हो सकती है और एक्सप्रेशन ऑफ मूड, किसी मूड को एक्सप्रेस करती है। तो इसमें से क्या सही नहीं है, इसका आंसर जानने के लिए चलते हैं अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म एमएच अब्राहम की बुक्स में, इसके पेज नंबर 202 पर आंसर क्या है, व्हाट इज लिरिक। तो आइए इसको जानते हैं, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि लिरिक क्या होता है। अ लिरिक इज एनी फेयरली शॉर्ट पोएम, एक फेयरली शॉर्ट पोएम होती है, फर्स्ट पॉइंट है, जिसको अटर गाया जाता है एक सिंगल स्पीकर के द्वारा,
एंड हु एक्सप्रेस, वो इसमें क्या एक्सप्रेस करता है, स्टेट ऑफ माइंड, अपने मन की स्थिति को, या प्रपोज करता है एक परसेप्शन, एक धारणा को, विचार को या फीलिंग्स को, अपने मन की स्थिति या उन थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है सिंगल स्पीकर और शॉर्ट पोएम, यही होता है लिरिक। मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, आजकल जो मूवीज देखते हैं उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं वो लिरिक का एग्जांपल है, शॉर्ट होते हैं और एक टाइम में सिंगल फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करते हैं, उस मूड को एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिरिक। तो यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा क्या, ये एक ऐसी पोयम जो एक्सप्रेस करती है फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ सिंगल स्पीकर, ये भी सही है। ग्रीक ने इसको आइडेंटिफाई किया, ये इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है, ग्रीक्स ने इसको इन्वेंट किया था, और ये एक ब्रीफ पोयम, छोटी पोयम होती है जो एक मूड को एक्सप्रेस करती है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका आंसर है सही नहीं है, वो करेक्ट आंसर होगा लिरिक। 14 लाइन की जो पोयम्स होती है उनको सोनेट बोलते हैं, तो सोनेट में 14 लाइन होती है, लिरिक में किसी लाइन का संबंध नहीं है, लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें सिंगल स्पीकर अपने थॉट्स, विचारों या मूड्स को एक्सप्रेस करता है। तो हमारा आंसर ए है, इट इज़ नॉट करेक्ट। बाकी सभी ऑप्शन हूबहू MH अब्राम के पेज नंबर 202 से ले गए हैं। फर्दर हम इसमें जानेंगे कि ड्रामेटिक लिरिक क्या होता है। लिरिक में फीलिंग्स एंड थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन ड्रामेटिक लिरिक में स्पीकर क्या करता है, वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है किसी एब्सेंट व्यक्ति को। ऐसी चीज़ का उदाहरण है जॉन डन अपने वर्क कैनोनाइजेशन में, यही चीज़ जो एक ड्रामेटिक लिरिक का एग्जांपल है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है टिंटन एबी, इसमें वो नेचर को एड्रेस करता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक। ड्रामेटिक लिरिक में क्या होता है, स्पीकर सीक्स टू प्रोड्यूस ऑफन थ्रू हाइपरबली, हाइपरबली का यूज़ करते हुए वो इन चीज़ों को प्रजेंट करता है, और ऐसे इफेक्ट को यूज़ करता है पर्सन बींग एड्रेस, जिसमें पर्सन को एड्रेस किया गया है उसके बारे में प्रेज करता है, ब्लेम करता है, मेकिंग असेसन ऑफ वैल्यू और उसके इम्पोर्टेंस को समझाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ यही कर रहे हैं टिंटन एबे में, नेचर को एड्रेस कर रहे हैं, उसकी खूबियों को बता रहे हैं, बचपन में बिताए समय को बता रहे हैं, और लिरिक स्पीच इज जर्नली charged with emotion and often that character of epiphany। तो यहाँ पे हमने जाना लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है, सिंगल पर्सन उसमें थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग और मूड को एक्सप्रेस करता है, शॉर्ट होती है, और ड्रामेटिक लिरिक में किसी न किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस किया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी में नेचर को एड्रेस किया है, और नेचर उनके लिए एक लिविंग थिंग ही है। सो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, थैंक यू। 2021 में क्वेश्चन था, सी सीरीज की बुकलेट में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, क्या TGT 21 में, मैं यहाँ पे ये आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ कि TGT 2021 और 2016 में कितने क्वेश्चन MH अब्राम की बुक अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से आए हैं, उनके ऑप्शंस डायरेक्टली मैच करते हैं। ये उस टॉपिक पर मेरी 5th वीडियो है, तो क्वेश्चन नंबर 125 विदाउट एनी डिले पढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about memoir? Memoir के बारे में कौन सा statement बिल्कुल सही है? इस word की जो pronunciation होती है वो होती है memoir. That is a French word. But हम लोग इसको इसकी alphabet के basis पे हम इसको memoir पढ़ते हैं, जो memory पर based कोई work हो सकता है. Options देखते हैं. In memoir, the emphasis is not on the author's developing self, but on the people and event that he author has known. Memoir में emphasis इस बात पर नहीं होता कि authors का develop, खुद का development कैसे होता है, बल्कि इस बात पर होता है on how the people and events, कैसे लोग और घटनाएं that the author has known, जिन चीज लोगों को और घटनाओं को author जानता है कि उनका development कैसे हुआ है, इस चीज़ पर होता है, ना कि author के खुद के development पर। Means इसमें autobiography पर फोकस नहीं होता, बल्कि ऑथर की लाइफ के वो घटनाएं, वो लोग जिनसे वो मिला है, उस पर फोकस होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, मेमोयर इज एन अनदर नेम फॉर ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का ही दूसरा नाम मेमोयर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी में कंट्रास्ट है। ऑप्शन नंबर सी, मेमोयर इज अनदर नेम फॉर बायोग्राफी, ये किसी की लाइफ पर लिखी हुई जीवनी का ही दूसरा नाम है। और ऑप्शन नंबर 3, मेमोयर इज ऑलवेज एपिसोडिक, मेमोयर हमेशा क्या होता है, एपिसोड में होता है, एंड अपीयर्स इन बैलेड फॉर्म ओनली, और केवल बैलेड की फॉर्म में होता है।
ऑप्शन ने काफ़ी कंफ्यूज किया, लैंग्वेज स्टूडेंट्स को लेंथी लगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, कि आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो आइए इन ऑप्शंस में से अपना आंसर ढूंढते हैं, और आंसर ढूंढने के लिए चलते हैं वही अपनी फेवरेट बुक अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बाय M.H. अब्राहम्स। इसके पेज नंबर 30 पर टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है बायोग्राफी। पहले बायोग्राफी को देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी इज अ बायोग्राफी, ये लाइफ की लाइफ पर लिखी हुई घटनाएं होती हैं, रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ, लिखने वाले की खुद की लाइफ पर लिखी हुई घटनाओं को, इंसिडेंट्स को ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखूं, वो प्रोज में लिखूं या पोएट्री में लिखूं, दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड, अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑथर खुद के बारे में लिखता है। इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड, इसके इसमें हमें अंतर को समझना है फ्रॉम द मेमोअर, मेमोअर से ये कैसे अलग होती है। इन विच, विच यूज़ किया गया मेमोअर के लिए, मेमोअर में क्या होता है, द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, ऑथर के सेल्फ डेवलपिंग के बारे में नहीं होता, बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन और विटनेस्ड, बल्कि एम्फेसिस उन बातों पर होता है, उन घटनाओं पर, इवेंट्स, पीपल एंड इवेंट्स पर होता है जिनको ऑथर जानता है या जिनको उसने विटनेस किया है, मतलब जिनके साथ उसने समय बिताया है, एक्सपीरियंस किया है, उन लोग और उन घटनाओं के डेवलपमेंट के बारे में मेमोयर होता है। अगर सेल्फ के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। यही दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में सिमिलैरिटी भी हुई लेकिन दोनों अलग है। सो अब हमारी ये लाइन्स हु बाय हु पेपर सेटर ने सेम टू सेम रखी है ऑप्शन नंबर वन में, कि मेमोयर में एम्फेसिस ऑथर के खुद के डेवलपमेंट पर ना होकर उसकी लाइफ से जुड़े हुए लोग और घटनाओं के डेवलपमेंट पर होता है। तो मेमोयर का मतलब होता है कि लिखने वाले की लाइफ में आए लोग और इवेंट्स जो उसकी मेमोरी पर बेस्ड है, उनके बारे में जब वो लिखता है दैट इज कॉल्ड मेमोआ, मीन्स मेमोयर। सो आइए वापस चलते हैं अपने ऑप्शंस पर और देखते हैं ये लाइन जो हमने अंडरलाइन की है क्या, द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट, लोगों और घटनाओं पर होता है जिनसे ऑथर मिला है या जिनको वो जानता है, इस चीज़ पर फोकस होता है। तो ऑटोबायोग्राफी से थोड़ी सी अलग होती है, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड, इसमें अंतर है। सो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेम टू सेम पेज नंबर 30 से ले गया है, दैट इज मेमोयर की डेफिनेशन है कि एम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोग और घटनाओं के बारे में जिनको ऑथर जानता है या जिनसे वो मिला है, विटनेस हुआ है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।